Thanks for watching and please subscribe my channel. Thank you. हेलो दोस्तों, आशु कम्युनिकेशन चैनल में आप सबका स्वागत है। मेरे चैनल में सिर्फ और सिर्फ मोबाइल के बारे में बात होती है और मोबाइल से जुड़ी बातें होती हैं। तो दोस्तों, आज जो आप देख ही रहे हैं, आपने टाइटल भी पढ़ ही लिया होगा, तो आज हम पूरी नॉलेज देंगे इस कंपोनेंट्स के बारे में। आज हम इस कंपोनेंट्स में होता क्या है आपको मैं एक एक चीज इस कंपोनेंट के बारे में बताऊंगा। देखो, बहुत ही रिक्वेस्ट आ रही थी कि हमें सर इस कंपोनेंट्स के बारे में बताओ कि कंपोनेंट्स कैसे यूज होते हैं, कैसे इनको यूज किया जाता है, टेस्टिंग कैसे होती है। मैं आपको इस वीडियो के अंदर प्रॉपर एक एक चीज निकाल के आपको चेक करके दिखाऊंगा कि प्रैक्टिकली जो आपने अभी तक सारी वीडियोस देखी होंगी यूट्यूब के अंदर, कि अभी आपको प्रैक्टिकल किसी ने नहीं दिखाया होगा। तो मैं आज से आपको कंपोनेंट की क्लासेस देना शुरू करूंगा जब तक लॉकडाउन ओपन नहीं होता। आपको हर बारी एक वीडियो बना के दूंगा जिसमें प्रैक्टिकल भी होगा, थ्योरिकल भी होगा और टेस्टिंग भी होगी। उसके अंदर मैं आपको ए टू ऑल सारा कुछ क्लियर करके दूंगा। तो वीडियो को सब्सक्राइब कर लें दोस्तों, आपको बहुत ही फायदा रहेगा। जो नए हैं अभी इस लाइन के अंदर, जो अभी इस लाइन के अंदर अभी एंटर हुए हैं, उनके लिए तो बहुत ही फायदा रहेगा दोस्तों कि उनको कंपोनेंट के बारे में नहीं पता चलता कि कौन सा कंपोनेंट क्या काम करता है और उसका क्या वैल्यू है, उस कंपोनेंट को वहाँ लगाना ज़रूरी है या नहीं ज़रूरी है। तो मैं वीडियो के अंदर आपको यही रिक्वेस्ट करूँगा कि वीडियो पूरा देखें, वीडियो को टिल से लेकर एंड तक पूरा देखेंगे, आपको एक एक चीज़ समझ में आएगी। और आने वाली जो वीडियो होंगी वो ऑलमोस्ट सारे कंपोनेंट के ऊपर मैं बनाने वाला हूँ, क्योंकि सभी मेरे को, जितने भी मेरे सब्सक्राइबर हैं और जितने भी और भी कोई लोग हैं जिन्होंने मुझे डायरेक्ट व्हाट्सएप में मुझे कॉल करके बोला है कि हमें कंपोनेंट के बारे में थोड़ा डिटेल में बताइए, तो मैं आपको एक एक चीज़ इसके अंदर प्रैक्टिकली, थ्योरिकली, टेस्टिंग क्या होता है, कैसे निकलता है और किस इस कंपोनेंट का इस फोन के अंदर क्या महत्व है, मैं आपको इस वीडियो के अंदर पूरा बताऊंगा। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें और चैनल को सब्सक्राइब कर लें। दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब करेंगे, आपको पता ही है कि मैं आपके अपने सब्सक्राइबर्स के लिए रोज़ एक वीडियो डालता हूँ, कोई ना सोल्यूशन डालता ही रहता हूँ, चाहे कोई भी सोल्यूशन हो। तो वीडियो को आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन जरूर दबा लें। दोस्तों, ये जो बेल आइकन है इसको दबा लें और उसके ऊपर जो ऑल बटन है उसको भी दबा लें, जिसपे आपके पास सारी वीडियोस और आपके पास सारी नोटिफिकेशंस आती रहेंगी और आप मोबाइल का काम सीखते रहेंगे। दोस्तों, तो स्टार्ट करते हैं कंपोनेंट्स की रीडिंग करना और इसकी टेस्टिंग। चलो करते हैं दोस्तों, ये फिलहाल मैं इनको साइड कर देता हूँ। तो दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा कंपोनेंट होता क्या है और हम आज किस कंपोनेंट से स्टार्ट करेंगे। मैं आपको आज एंड्रॉयड और जो भी iOS है, यानी कि एप्पल, ये एप्पल है दोस्तों, एप्पल का मदरबोर्ड है, इसके अंदर मैं आपको और दिखा देता हूँ। दोस्तों, वीडियो को पूरा देखें, आपको तभी आपको फ़ायदा मिलेगा। वीडियो को अगर आप स्किप करते देखते रहेंगे तो नहीं समझ में आएगा कि मैंने क्या समझाया है आपको, क्योंकि आपको पता है कि मैं आपको थोड़ा सा स्लो समझाऊंगा, बट आपको समझाऊंगा कि आपके दिमाग में घुस जाएगी वो बात। तो आप बने रहिए, वीडियो को पूरा देखें और प्रॉपर इसको अगर आपको समझ आए तो लाइक और शेयर जरूर करें, कि जिनके पास मजबूरी है, जिन जो कोर्स नहीं ज्वाइन कर पाते उनके पास ये वीडियो पहुँच पाए और वो काम सीख पाए। तो अभी दोस्तों, ये एप्पल है, मैं आपको आज एंड्रॉयड और एप्पल दोनों के जो कंपोनेंट्स हैं बताऊंगा कि कौन सा कंपोनेंट ज़रूरी है, किस पार्ट में ज़्यादा ज़रूरी है, किस सेक्शन में ज़रूरी है लगना। तो अभी मैं जितने भी फ़ोन हैं इनको इकट्ठा कर लेता हूँ। पहले मैं आपको दोस्तों एंड्रॉयड में बता देता हूँ, ये साइड में रख देता हूँ। देखो दोस्तों, आज हम स्टार्ट करेंगे कैपेसिटर बहुत ही ज़रूरी है इस लाइन के अंदर। और आपको मैं बता दूं कि कैपेसिटर का बहुत ही महत्व है, ऐसा नहीं है कि बहुत महत्व नहीं होता। मैंने कई कैपेसिटर वीडियोस में देखा है, वो कहते हैं कैपेसिटर नहीं निकालोगे तो कोई, ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों भाई। कैपेसिटर का कहीं पर ज़रूरी भी है, कहीं ज़रूरी नहीं भी है, बट कैपेसिटर
अगर कंपनी ने लगाया तो कुछ सोच समझ के लगाया होगा, ठीक है ना दोस्तों। तो आपको मैं मेहता भी बताता हूँ दोस्तों इसके अंदर। तो अभी स्टार्ट करते हैं हम इसकी कैपेसिटर की पहचान। अभी हम आज हमारा जो सिलेबस रहेगा, हम आज कैपेसिटर को क्लियर करेंगे। इसके अंदर मैं आपको आपको इसके अंदर प्रैक्टिकल भी बताऊंगा दोस्तों, प्रैक्टिकल बताऊंगा और थ्योरिकल भी बताऊंगा और टेस्टिंग भी बताऊंगा, ठीक है ना। ये तीनों क्लियर करूंगा आपको, ठीक है ना दोस्तों। ये तीनों को क्लियर करूंगा आज आपको कि हम कैपेसिटर को आज कैसे रीड आउट करेंगे। तो दोस्तों आज अभी मैं फिलहाल इसकी टेस्टिंग आपको बताता हूँ, पहचान के कैपेसिटर की पहचान क्या है। कि जो भाई जो जिनको नहीं आता वीडियो, सॉरी जो नए हैं, जो बिल्कुल इस लाइन के अंदर अभी एंटर हुए हैं, ये वीडियो उनके लिए है। नया स्टार्टअप है जो नया सीखना काम शुरू करना चाह रहे हैं और या अभी एंटर हो चुके हैं इस लाइन के अंदर, तो वीडियो को पूरा देखें दोस्तों, ठीक है ना। मैं आपके लोगों के लिए एक एक चीज़ सोच सोच के बनाता हूँ कि जो नए मेरे जो जो नए जो अभी इसके अंदर एंटर हुआ इस काम के अंदर, तो उनको दिक्कत ना हो। तो देखिए दोस्तों मैं स्टार्ट करता हूँ। इसके अंदर जो कैपेसिटर है वो है, ये देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं ये ब्राउन कलर के होते हैं ज़्यादातर ऑलमोस्ट। ये देख सकते हैं ये वाला कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये देखिए दोस्तों। मैं आराम आराम से बताऊँगा, जल्दबाजी नहीं बताऊँगा। अगर आपने स्क्रीन शॉट लेनी है तो आप स्क्रीन शॉट भी ले सकते हैं कि आपको आगे पहचानने में दिक्कत नहीं होगी। देखिए दोस्तों ये आप देख सकते हैं ब्राउन कलर का ये कैपेसिटर है, ये भी कैपेसिटर है। मैं इन कंपोनेंट के बारे में भी बताऊंगा, ये जो कंपोनेंट है इनके बारे में बताऊंगा, वो नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। क्योंकि मैं एक वीडियो के अंदर अगर सारा कुछ बता दूंगा तो आपके दिमाग में झोलमोल हो जाएगा और आपको समझ नहीं आएगा और आप वीडियो को कट कर देंगे। तो इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप काम करूंगा जिसमें आपको भी समझ में आएगा और मुझे समझाने में भी ठीक लगेगा, ठीक है ना दोस्तों। अभी मैं इसको पहचान बता रहा हूँ आपको कि आपको पहचान ज़रूरी होनी चाहिए कि कैपेसिटर की पहचान क्या है। ये देखिए दोस्तों ये आप ब्राउन कलर का देख सकते होंगे, ये ब्राउन कलर का है, ठीक है ना। ये और ये देखिए छोटा सा आपको क्लियर होना चाहिए, दिखना चाहिए ये कैपेसिटर। ये देखिए और ये देखिए दोस्तों, आपको दिखाने की कोशिश करता हूँ। मैं पूरी पूरी हेल्प करूँगा दोस्तों, जिसको नहीं समझ में आता हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर लिखा हुआ है, उस पर हमारे को व्हाट्सएप करें, हम उसमें भी आपकी हेल्प करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि मैं इसमें आपको बता दिया और उसके बाद मैं हेल्प नहीं करूँगा, ऐसा कुछ नहीं है। मैं सबकी हेल्प कर रहा हूँ, मैं एक एक कमेंट को रीड आउट करता हूँ और उसको रिप्लाई ज़रूर देता हूँ, कोशिश करता हूँ रिप्लाई जल्द से जल्द दूँ। ये देखिए दोस्तों ये आपका कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है ब्राउन कलर का, ऑलमोस्ट ये हल्का ब्राउन और डार्क ब्राउन कलर के होते हैं, ठीक है ना दोस्तों। ये देखिए ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर नहीं है, ये दोनों का समझ आपको लगेगा कि ये कैपेसिटर है, कैपेसिटर नहीं होता, ये कुछ और होता है, ये बूस्ट कॉइल होती है। मैं इसके बारे में बताऊंगा आपको, एक एक चीज़ बताऊंगा इस वीडियो के अंदर। सिर्फ हम आज हम कैप्चर करेंगे कैपेसिटर, ठीक है ना। ये देखिए छोटा सा देख रहे होंगे, मैं आपको जूम करता हूँ, इसको जूम करो भाई। ये देखिए दोस्तों आप देख सकते हैं, मैं थोड़ा दूसरा टूल ले लेता हूँ, वाला टूल कहाँ गया। ये देखिए दोस्तों ये आप देख सकते हैं, थोड़ा और जूम कर लेता हूँ। आपको एक एक चीज़ समझ में आनी चाहिए, मेरा मोटिव यही है कि जो नए स्टार्टअप्स हैं जो अभी इस लाइन के अंदर एंटर हैं बट उनको उनके पास कुछ मजबूरी है, नहीं कर पा रहे काम, पैसा नहीं इकट्ठा हो पा रहा, तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको मैं पूरी हेल्प करूँगा। उन भाइयों के लिए मैं पूरी हेल्प करता हूँ जो मजबूरी है, जिनके पास नहीं आ पाते, जो अपने परिवार को और अपनी शॉप को नहीं छोड़ पाते, क्योंकि एक दो दिन का कोर्स तो है नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। तो मैं पूरी हेल्प करूँगा, आप वीडियो में बने रहिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें, अगर पसंद आए तो शेयर भी करें इसको, ठीक है ना दोस्तों। ये देखिए ये कैपेसिटर है, ठीक है ना, ये कैपेसिटर है। इसकी पहचान आप दिमाग में डाल लें, मैं अभी पहचान बता रहा हूँ आपको, ठीक है ना। ये कैपेसिटर है, ये देखिए ये कैपेसिटर है। आपको मैं अभी पहचान बता दूँ, उसके बाद मैं इसकी
इसके अंदर स्टार्ट भी करूँगा। ये देखिए दोस्तों, आप देख सकते हैं ये वाला, आप देखिए मैं आपको एक बार टेढ़ा करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए ये कैपेसिटर है, ठीक है ना दोस्तों। ये बोर्ड टूट गया किसी कस्टमर का, तो मैं कहा आपको इसमें भी आपको हेल्प मिलेगी। देखिए दोस्तों एक और चीज़ है इसके अंदर, एक आपको दिखाऊंगा आपको डिटेल में। ये देखिए आपको आपको लगेगा ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर नहीं है दोस्तों। ये देखने में कैपेसिटर की लुक में आता है, बट इसकी साइज थोड़ा देखो बड़ा भी है। तो मैं इसके बारे में आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा। अभी फिलहाल हम आज आप कैपेसिटर को कैच आउट करेंगे, ठीक है ना। अभी फिलहाल मैंने आपको एंड्रॉयड में और कुछ बटने वाले बटन वाले फ़ोन होते हैं उनमें भी आपको क्लियर कर देता हूँ। ये थोड़ा गंदा हो पड़ा है, इसको मैं थोड़ा क्लीन कर देता हूँ। क्लीन करने के लिए दियो नहीं है इसका, क्लीन करने के लिए अभी फ़िलहाल एक्चुअली क्या है, लॉकडाउन के चक्कर में ये भी मैंने जो मदरबोर्ड मेरे पास अवेलेबल थे वो मैंने सारे निकाल लिए। नहीं तो आपको मैं अपने इंस्टीट्यूट के अंदर आपको एक एक चीज़ डिटेल में बताता, बट मेरी कोशिश यही रही मैं आपको यहीं पर भी बैठे बैठे आपको सारा कुछ बता दूँ। ये देखिए दोस्तों, ये देखिए ये कैपेसिटर है, ठीक है ना दोस्तों। आपको समझ आना चाहिए बस, मुझे मेरा मोटिव यही है। ये देखिए ये कैपेसिटर है, ये वाला कैपेसिटर है, आप देखें सीपीयू के साथ में लगा हुआ ये वाला कैपेसिटर। इसका कैपेसिटर का बहुत महत्व है दोस्तों, और कई मैंने वीडियोस देखी हैं और जिनमें बताते हैं अरे लगाओ ना लगाओ एक ही बात है, अरे ठीक है भाई अगर लगाना है। मैं आपको बताता हूँ इसके बारे में कि क्यों लगाने की ज़रूरत क्यों होती है। ये देखिए ये कैपेसिटर, आपके पास एंड्रॉयड ऐसे फ़ोन आ जाते हैं माइक्रोमैक्स जैसे लाइक फ़ोन, ठीक है ना। ये कैपेसिटर है, ये देखिए ये कैपेसिटर नहीं है दोस्तों, बिल्कुल मिलता जुलता आपको दिख रहा होगा बट ऐसा कुछ नहीं है। ये कैपेसिटर है, ब्राउन कलर का होता है, इसकी पहचान आपको दिमाग में डाल लो, ठीक है ना दोस्तों। अभी फ़िलहाल मैंने आपको पहचान इसकी बता दी है, मैं एक बार इसको आपको आईफोन में भी बता देता हूँ, फिर आपको मैं स्टार्ट करता हूँ इसको। ये देखिए दोस्तों आप आईफोन में ये देख सकते हैं इतने सारे कैपेसिटर लगे हुए, कितने सारे लगे हुए ये देखें कितने सारे लगे हुए। इसको जूम करके आपको दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों ये सारे कैपेसिटर है, एक दो तीन ये जितने भी हैं ये सारे कैपेसिटर लगे हुए हैं। और ये कैपेसिटर नहीं है दोस्तों, ये अलग चीज़ है, ये कैपेसिटर है, ये कैपेसिटर है, ये इसके साथ जो लगे हुए हैं ये भी कैपेसिटर है, सिर ही है। ये एप्पल के हैं दोस्तों, जो मैंने अभी पहले बताया था ये एंड्रॉयड है और ये एप्पल है, ठीक है ना। अब ये देखिए दोस्तों, ये आप देख सकते हैं लाइन लाइन सिर एक साथ लगे हुए हैं ये वाले कैपेसिटर। ये देखिए दोस्तों ये लाइन से लगे हुआ ना, ये कैपेसिटर, ये कैपेसिटर, और ये भी एक सेंटर में देखो बिल्कुल नीचे अगर कैपेसिटर लगा हुआ है। मैं कह रहा हूँ आपको एक ही चीज़ समझ में आएगी तरीके से, आपको देखते ही पहचान जाओगे कि भाई ये कैपेसिटर है, आशु भाई ने बताया था इस तरीके से होता है, ठीक है ना दोस्तों। आपको भी फिलहाल पहचान क्लियर हो गई है जहाँ तक मैं आपको आराम आराम से बताने की कोशिश कर रहा हूँ। अभी फ़िलहाल हम इसको शुरुआत करते हैं इसकी टेस्टिंग, ठीक है ना दोस्तों। इसके हम पहचान कैसे जाएंगे कि ये शॉर्ट है। इसके अंदर दोस्तों तीन चीज़ें होती हैं, थ्योरिकल मैं स्टार्ट कर रहा हूँ। एक होता है शॉर्ट शॉर्टिंग, ठीक है ना, एक होती है शॉर्टिंग, दूसरा होता है ओपन, ठीक है ना दोस्तों, और तीसरा होता है लीकेज, ठीक है ना दोस्तों। मैं आपको बताता हूँ वन बाय वन करके, ठीक है ना। अगर शॉर्ट होता है आपके पास शॉर्टिंग शॉर्ट फोन आ जाता है या शॉर्ट कैपेसिटर होता है तो आप कैसे पहचानेंगे, अभी फिलहाल मैं आपको शॉर्टिंग के बारे में बताता हूँ। अगर कैपेसिटर आ जाता है आपका शॉर्ट आ जाता है, ठीक है ना, तो आप उसको कैसे पहचानेंगे, ठीक है ना। मैं आपको बता रहा हूँ एक एक चीज़, प्लीज़ वीडियो को पूरा देखें। अब मैंने मेरे पास ये बोर्ड आया हुआ था, मैंने सोचा कि मैंने इस पर भी आपको बता दूं कि आपको शॉर्टिंग के अगर कैपेसिटर आ जाता है तो आपको कैसे पहचान होएगी उसकी। ये SMD कॉम्पोनेंट के बारे में बता रहा हूँ दोस्तों मैं। SMD आपको पता होना चाहिए, SMD कॉम्पोनेंट किसको कहा जाता है, ठीक है ना। मैंने आपको पहले शुरुआत में नहीं बताया, सरफेस माउंट डिवाइस, ठीक है ना दोस्तों। इसको सरफेस यानी कि जो
कंपोनेंट होता है, जो भी कंपोनेंट होता है, आप इसको लाइक इसको समझे कंपोनेंट है, उसके जो नीचे नीचे जो सरफेस, इसके जो माउंट होता है, नीचे जो सोल्डरिंग होती है, जिसको हम सोल्डरिंग कहते हैं, इसको हम सरफेस माउंट डिवाइस, सरफेस माउंट डिवाइस इसलिए कहते हैं, इसके नाम ही इसका जो काम इसके नाम पे चढ़ा हुआ है। यानी कि हमारी जो SMD मशीन आपने देखा होगा, SMD मशीन जो SMD का जो नाम पड़ा हुआ है मशीन का, उसका इसी कंपोनेंट के हिसाब से नाम पड़ा हुआ है SMD मशीन, सरफेस माउंट डिवाइस। कि जो हमारा जो पहले पहले आता था, ये वाले आपके बोर्ड आते थे, ये वाले ऐसे, तो उनमें क्या होता था, ऐसे कैपेसिटर होते थे, ठीक है ना, पीछे से अपना सोल्ड आयरन लगाया यहाँ पर, तो अपना ये निकाल लिया, ठीक है ना। तो मैं आपको आज इसके बारे में बता रहा हूँ, SMD वो होती है जो हमारे SMD के हैंडल से, जो SMD मशीन से हम पार्ट को निकालते हैं, जिस पार्ट के नीचे माउंट लगा होता है, उस कंपोनेंट के नीचे नीचे माउंट यानी कि सोल्डरिंग लगा होता है, उसको हम ये माउंट होता है सोल्डरिंग, इसको हम सरफेस माउंट डिवाइस यानी कि सरफेस SMD कंपोनेंट के बारे में आज आपको मैं बताने जा रहा हूँ, ठीक है ना। अभी मैं आपको बता रहा था शॉर्टिंग, अगर कैपेसिटर आपके पास शॉर्ट आ जाता है तो आप कैसे पहचानते हैं, फर्स्ट कंटिन्यूटी मोड पे रखना है आपने, ठीक है ना दोस्तों। आपने जब भी कैपेसिटर को चेक करना है, इसको हमेशा कंपोनेंट कंटिन्यूटी मोड पे रखकर चेक करना है। उसके बाद देखो दोस्तों, आपको वही उसमें कोल्ड टेस्टिंग करनी है दोस्तों। कोल्ड टेस्टिंग आपको पता ही है, जो मैं आपको हर वीडियो में आपको बताता रहता हूँ कि कोल्ड टेस्टिंग कैसे करनी है। तो अभी फिलहाल मैं आपको बता रहा था, ये मेरे पास फ़ोन आया था, इसके अंदर क्या था, ये लाइन पूरी की पूरी शॉर्ट थी, बट मेरे पास, मैं आपको बता दूँ, एक अगर कैपेसिटर शॉर्ट होते हैं तो आपको कैसे चेक करना है। ये देखिए दोस्तों, इसका मैं आपको पहले थ्योरिकल बता देता हूँ, आपको लगेगा कि थ्योरिकल बताया नहीं। देखिए, ये कैपेसिटर होता है, इसका ऐसे कैपेसिटर होता है, ठीक है ना, इसकी दो लेयर होती हैं ऐसे, ठीक है ना दोस्तों, समझ रहे हो ना, ये दो लेयर होती हैं, इन दो लेयरों को देखिए, दो ये लेयरें हैं, ठीक है ना दोस्तों। इसके अंदर क्या होता है, इसके इस सेंटर वाली लेयर के अंदर इन्होंने कुछ लगाया होता है ऐसे डिटेक्ट करने के लिए कि ये दोनों आपस में चिपके नहीं। मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में बात कर रहा हूँ, अगर मैं पढ़ाने लग गया ना तो ये वीडियो 2 घंटे की भी हो सकती है। तो मैं आपको बहुत सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, जो बिल्कुल अभी स्टार्टअप है, सिर्फ उनको एक आइडिया लगाने के लिए कि शॉर्टिंग होने पर और क्या होता है, कंप्रेसर का काम क्या है, ठीक है ना। अब ये दो इसके अंदर लेयरें होती हैं, दो प्लेटें लगी होती हैं इस तरीके की, ठीक है ना, मगर ये आपस में जुड़ी नहीं होती दोस्तों, ठीक है ना। और इसका काम क्या है, प्यूरीफायर यानी कि फिल्ट्रेशन का काम होता है, इसका कंप्रेसर का काम फिल्ट्रेशन का होता है। मैं आप जस्ट एक आइडिया लगाता हूँ, छोटा सा एक उदाहरण देता हूँ, एक म्यूट जग है आपका, जो पानी का जग होता है, कपड़ा दियो, एक म्यूट जग पहले बनाता हूँ, मैं आपको एक उदाहरण दे देता हूँ छोटा सा, शायद आपको समझ आ जाएगा। ये मैं आपको शॉर्टिंग के बारे में बता रहा था फर्स्ट, ठीक है ना। एक आपका, मैं आप समझ लो, एक म्यूट जग है, म्यूट जग यानी कि पानी का जो डब्बा होता है, ठीक है ना, या प्यूरीफायर आप समझ लें, ठीक है ना दोस्तों, यहाँ नलका लगा हुआ है, ठीक है। अब इसके अंदर आप समझे, यहाँ से पानी गया, अब इसको पानी को करंट समझे, वोल्टेज समझे, वोल्टेज, ठीक है ना दोस्तों। अब इसके अंदर पानी जाएगा, ठीक है ना, पूरा भरेगा, बट ये सेंटर में इन्होंने प्यूरीफायर के लिए कुछ ऐसी डिटेक्ट प्लेट लगा रखी है कि यहाँ पर ये फिल्टर होके ही यहाँ पर जाएगा, समझ गए ना दोस्तों। और फिल्टर कैसे होगा, एक एक बूंद, बस ये भरना नहीं चाहिए, एक एक बूंद करके भरेगा, ठीक है ना दोस्तों, और ये भी एक एक बूंद करके ही देगा। अब इसके अंदर फर्क क्या है, अगर शॉर्टिंग हो जाती है, बात आप लगा लो, अगर फोन ये कैपेसिटर लगा लो, आप इधर कैपेसिटर बना ले, ठीक है ना दोस्तों, अगर आपका ये टप बीच सेंटर में कट जाता है यानी कि खराब हो जाता है, ये आप समझिए, ये देखिए दोस्तों, ये ऐसे अगर हो जाता है तो सारा पानी क्या होगा, सारा अंदर आ जाएगा, बिना फिल्टर के आ जाएगा पानी अंदर, और यहां से निकलना शुरू हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा, इस दौरान को हम क्या कहेंगे, शॉर्टिंग।
मैंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया है, अगर समझ आने वाले को समझ आ गया तो बहुत अच्छी बात है, नहीं समझ में आया तो वो दोबारा से मेरे को पूछ सकता है, ठीक है ना। अब ये म्यूजिक के अंदर ये जो फिल्ट्रेशन लगा रखा था ये बंदे ने, ये कट चुका है यानी कि हट चुका है, यहाँ से हट चुका है। अब ये पूरा पानी भर गया, ठीक है ना, अब पानी फिल्टर भी नहीं हुआ, ये पूरा हो गया। यही कारण, यही चीज़ इसी के अंदर है। अगर ये कैपेसिटर के बीच सेंटर में जो प्यूरीफायर है वो हट जाए अगर फिल्ट्रेशन करने के लिए, तो पूरी की पूरी ये शॉर्टिंग शो करना शुरू कर देगा और उस लाइन में जितने भी कैपेसिटर लगना शुरू हो जाएंगे वो सारे कैपेसिटर शॉर्ट हो जाएंगे, क्योंकि वो लाइन प्रॉपर इस वोल्टेज से कनेक्टेड है, यानी कि इस कैपेसिटर से कनेक्टेड है, ठीक है ना दोस्तों। आपको समझ आ गया होगा मेरे को जहाँ तक लगता है। मैं आपको एक बार मैं बोला बोर्ड कहाँ गया, ये देखिए दोस्तों मैं आपको इस बोर्ड पे लेके जा रहा था, अभी मैं इसको कंटिन्यूटी मोड पे लेके चलता हूँ। ये देखिए दोस्तों अभी मैं इसको चेक कर रहा हूँ, आप बीप की साउंड सुनना, यहाँ तो वोल्टेज इतनी आएगी अगर ये शॉर्ट होगा तो, देखिए प्रॉपर यही ये वैल्यू दिखा रहा है, तो आप बीप की आवाज़ सुनने में थोड़ा ध्यान दें। ये देखिए दोस्तों अभी फिलहाल मैं यहाँ कैपेसिटर में हाथ लगा रहा हूँ, बट यहाँ वैल्यू आ रही है, ठीक है ना। और अगर मैं दूसरी साइड इसकी लगाता हूँ तो यहाँ बीप आ रही है, तो इसका मतलब ये कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है, ठीक है ना दोस्तों, ये कैपेसिटर बिल्कुल ठीक है। ये जैसे मैं आपको लगा यहाँ पर बना भी देता हूँ छोटा सा कैपेसिटर, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई बजर यानी कि कोई बीप नहीं आई, आपको दिखेगा भी नहीं, ये कैपेसिटर हो गया, मैं यहाँ साथ साथ आपको बताता भी रहूँगा और यहाँ आपको थ्योरिकल भी देता रहूँगा और टेस्टिंग भी कराता रहूँगा, ठीक है ना। आपको सिर्फ एक आम को आइडिया दे देते हैं हम कि कैपेसिटर अगर आपके पास आ जाता है तो आपने कैसे चेक करना है, ठीक है ना। अभी इसके अंदर ये देखिए ये कैपेसिटर है, ये मैंने इसके यहाँ लगाया, यहाँ देखिए वैल्यू आ रही है, आप मल्टीमीटर में भी देखते रहिए। और अगर मैं इसकी दूसरी साइड लगाता हूँ तो यहाँ बीप आ रही है बीप। ये वाला कैपेसिटर है, इस तरफ बीप आ रही है और इस तरफ वैल्यू आ रही है, ठीक है ना दोस्तों। ये तो हो गया ये वाला कैपेसिटर। दूसरा अब हम इसके पहचानेंगे कैसे शॉर्ट कौन सा है, अब इसको हम चेकिंग मेथड यही है दोस्तों, कोल्ड टेस्टिंग करेंगे। अब ये देखिए अब मैं इस तरफ इसके इस पे लगा रहा हूँ, ये देखिए अभी फिलहाल मैं इसको यहाँ लगाता हूँ, आपने बीप सुनी होगी। अब मैं इसके अपोजिट साइड यानी कि इस तरफ लगाता हूँ तो वैल्यू आ रही है, वैल्यू आने का मतलब ये ओके है, ये मतलब इसी लाइन का ओके कैपेसिटर है। मैं एक बार इसके शॉर्ट कैपेसिटर देखता हूँ, ये देखिए यहाँ पर बीप आ रही है, ये देखिए दोस्तों ये कैपेसिटर शॉर्ट है, आपको थोड़ा जूम करके दिखा देता हूँ। इसको हम बाहर भी निकालेंगे, एक बार बाहर निकाल के एक बार चेक करेंगे। ये देखिए दोस्तों ये यहाँ देख रहे हैं, और यहाँ पर मैं इसको अपोजिट साइड लगाता हूँ तो यहाँ से आपको थोड़ा देखने में आसानी रहेगी। ये देखिए दोस्तों ये बिल्कुल शॉर्ट है, ठीक है ना। अब इसकी लाइन में देखते हैं कौन कौन से कैपेसिटर शॉर्ट है, यहाँ पर इसकी बस चेकिंग करते रहना है। बने रहिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए, आपको ये देखिए दोस्तों ये वाला भी कैपेसिटर शॉर्ट है, देखिए दोनों तरफ से बीप दे रहा है, ये दोनों तरफ से बीप नहीं देनी चाहिए, यानी कि वो मटका टूट चुका है, यानी कि प्यूरीफायर हमारा अंदर से टूट चुका है। बट नहीं, प्यूरीफायर ऐसे आप कंफर्म नहीं करेंगे कि ये टूटा है या नहीं टूटा, यानी कि ये कैपेसिटर शॉर्ट हुआ है या नहीं हुआ, इसको आप कैसे कंफर्म करेंगे। कंफर्म कैसे करेंगे मैं आपको दिखाता हूँ, इसको हम बाहर निकालेंगे। मैंने आपको कहा था मैं प्रैक्टिकल थ्योरिकल और सब कुछ आपको डिटेल में बताऊंगा आज इस वीडियो के अंदर।
ऐसे ही रखते हैं, इसको ऐसे ही लगा देते हैं, इसको बस से निकालना ही तो है। इसको मैं ऑन करता हूँ अपने हीट मशीन को। ये देखिए दोस्तों, ये वाला कैपेसिटी शॉर्ट था, तो इसको हम बाहर निकालते हैं एक बार। दोस्तों वीडियो को पूरा देखें, और जिस जिस को एडमिशन लेना हो हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर, वो अपना नाम और अपना एड्रेस व्हाट्सएप करें। हम आपका नाम और एड्रेस आपका रजिस्टर में लिख लेंगे, जिसपे जैसे ही लॉकडाउन ओपन होगा हम आपको मैसेज करेंगे कि अभी इंस्टीट्यूट खुल चुका है। तो जिस जिसको भी एडमिशन लेना हो, तो हमारे डिस्क्रिप्शन में नंबर लिखा हुआ है, हम आपको सारी डिटेल देंगे, छोटी छोटी डिटेल देंगे कि कैसे फ़ोन को रिपेयर किया जाता है, क्या 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 चीज़ें ज़रूरी हैं, क्या नहीं ज़रूरी हैं, और आपको वोल्टेज की नॉलेज देंगे, प्रॉपर वोल्टेज की नॉलेज कि किस वोल्टेज के सेक्शन में, इस सेक्शन में या इस सेक्शन में कितनी वोल्टेज ज़रूरी है, इस कैमरे को कितनी वोल्टेज चाहिए होती है। मैं आपको पूरी डिटेल की पूरी डिटेल देंगे हम छोटी छोटी इस अपना इस इंस्टीट्यूट के अंदर। अगर आप इसके अंदर ज्वाइन करते हैं, अगर आप हमारे इंस्टीट्यूट के अंदर ज्वाइन करते हैं, हम आपको पूरे फुल कोर्स के अंदर चिप लेवल तक का सारा कोर्स बताएंगे, और इस लेवल के अंदर आपको हम आईसी लेवल के अंदर, अगर आप कोर्स प्रॉपर फुल ज्वाइन करते हैं, हम आपको ओसीए की जो क्लास ट्रेनिंग है, जो 10 से 20 हज़ार रुपये लोग अलग से अलग ले रहे हैं उसका सिर्फ सिखाने के, हम आपको बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट उस ओसीए के अंदर इस कोर्स के अंदर ट्रेनिंग देंगे। तो जल्द से जल्द ज्वाइन करें, हम आपको प्रॉपर इस ट्रेनिंग देंगे, एक एक चीज़ के बारे में बताएंगे, छोटी छोटी चीज़ें बताएंगे, और आपके हाथों से फ़ोन रिपेयर कराएंगे, और आपके हाथों से फ़ोन का ग्लास उतरवाएंगे और निकलवाएंगे। तो जल्द से जल्द ज्वाइन करें, और जिस भी लेडीज़ ने ये ज्वाइन करना चाहती हैं, जो लेडीज़ चाहती हैं कि मैं भी ये काम सीखूं, तो बिना झिझक के हमारे को व्हाट्सएप करें और अपनी सीट बुकिंग कराएं। और भी हमारे ग्रुप में लेडीज़ आती हैं और जो सीख कर जा चुकी हैं, जो दिन के 1500 से 2000 रुपये आराम से कमा रही हैं। तो आप ही लेडीज़ जितने भी हैं काम कर सकती हैं, ऐसा कुछ नहीं है सिर्फ जेंट्स ही काम करते हैं, लेडीज़ तो आजकल प्लेन भी उड़ा रही हैं, तो ये मोबाइल का काम क्या चीज़ है। तो देखिए दोस्तों, अभी फ़िलहाल मैंने ये कैपेसिटर निकाल के यहाँ रख लिया है, क्योंकि मैंने आपको कहा था मैं प्रैक्टिकल भी आपको थोड़ा बहुत बताऊँगा। अभी फ़िलहाल मैं इसको एक बार हम कैपेसिटर को चेक करते हैं, उसी कैपेसिटर को हम चेक करेंगे, इसको हम बीप पे रखते हैं। ये मैंने बीप पे रख लिया दोस्तों, अब इसको कैपेसिटर को एक बार हम चेक कर लेते हैं, जूम करके दिखा देता हूँ आपको, मल्टीमीटर भी दिखाना जरूरी है आपको, नहीं तो समझ नहीं आएगा। ये देखिए दोस्तों, ये अभी मैं इस कैपेसिटर के दोनों सिरों पे हमने रखना है दोस्तों, ये कैपेसिटर समझ ले, कैपेसिटर यही है, आपने इनके ये जो कैपेसिटर आप सोचिए यही कैपेसिटर है जो मैं चेक कर रहा हूँ, आपने इन दोनों के सिरों पे रखना है ऐसे करके, ठीक है ना दोस्तों, तभी आपके अंदर इसके अंदर वैल्यू बताएगा कि ये शॉर्ट है या ख़राब है या ठीक है, जो भी है, ठीक है ना। आपको मैं ये देखिए दोस्तों, इसको मैं एक बार टच करता हूँ और देखते हैं बीप आ रही है या नहीं आ रही। ये देखिए दोस्तों, बीप नहीं आ रही, यानी कि ये कैपेसिटर ठीक है। ये देखिए दोस्तों, अगर ये कैपेसिटर आप निकाल के फेंकते रहते तो कितना नुकसान होता, और नुकसान क्या होता है, कैपेसिटर लगाना भी ज़रूरी है दोस्तों। कैपेसिटर का काम है वोल्टेज को प्यूरीफायर करना, या अगर ये आईसी की लाइन में है ना दोस्तों, तो आपको ये कैपेसिटर लगाना ज़रूरी है। अगर आप कैपेसिटर नहीं लगाएंगे तो वो आज नहीं तो कल आईसी ख़राब होगी और हीट होगी, फिर हीट होके वो फ़ोन की वैल्यू बिल्कुल ख़राब, यानी कि जहाँ फ़ोन 1 साल चलना चाहिए था वहाँ 3 महीने 4 महीने के अंदर फ़ोन ख़राब हो जाएगा, यानी कि उसकी आईसी ख़राब हो जाएगी, क्योंकि आपने उसके रास्ते में ये कैपेसिटर नहीं लगा रखा। तो कैपेसिटर को आपने फेंकना नहीं है दोस्तों, आपने जो कैपेसिटर जहाँ से निकालना है वैसा ही कैपेसिटर आपको वहीं पर लगाना भी है, ठीक है ना, उतार के फेंकना नहीं है। आप उतार के अगर फेंक भी देंगे तब भी फ़ोन चलेगा, ऐसा कुछ नहीं है फ़ोन चलेगा नहीं, फ़ोन चलता है,
बट आप उसकी जगह दूसरा कैपेसिटर जरूर लगाएं, इसमें आपकी भी दुकानदारी यानी कि आप भी कभी कस्टमर बना रहेगा, आपके पास कस्टमर कंप्लेंट में वापस नहीं आएगा। तो देखिए दोस्तों, अभी फ़िलहाल मैंने इसके अंदर क्लियर किया आपको कि बोर्ड में ये शॉर्टिंग शो कर रहा था, बट बाहर निकाला तो ये शॉर्टिंग शो नहीं कर रहा है, यानी कि ये बिल्कुल ओके है, ये बिल्कुल ओके कैपेसिटर है। तो अभी फ़िलहाल मैं इसकी लाइनिंग को एक बार चेक कर लेते हैं, इसको मैं साइड रख लेता हूँ दोस्तों। ये कैपेसिटर मैंने यहाँ रख दिया है आपको दिखाने के लिए, और इसको अभी फ़िलहाल मैं यहाँ आपको उसी लाइन को एक बार हम चेक करते हैं। लाइन कौन सी चेक करेंगे, यहाँ से हमने कैपेसिटर निकाला था दोस्तों, इसको हम चेक करते हैं। ये देखिए दोस्तों, एक तरफ बीप दे रहा है, मैं आपको ढंग से दिखाता हूँ, आपको दिखाई देगा, ये देखिए दिखाई दे रहा है आपको, आई थिंक सो। ये देखिए दोस्तों, ये यहाँ पर बीप दे रहा है, ठीक है ना, अब ये यहाँ पर भी बीप दे रहा है, यानी कि दोस्तों आपको आज ये क्लियर हो गया कि ये इसकी लाइनिंग में ही कुछ दिक्कत है, यानी कि इसकी लाइनिंग में जितने भी कैपेसिटर्स होंगे वो सारे शॉर्ट दिखाई देंगे, और सारे को आपने निकाल निकाल के फेंकना नहीं है, जो आपने निकाला है आपने रखकर और उसकी लाइन चेक किया और आपने रख दिया, और आपको क्लियर हो गया कि ये वाला कैपेसिटर शॉर्ट नहीं है, ठीक है ना दोस्तों। और एक और तरीका है इसके अंदर हम कैसे चेक करते हैं, इसके लिए मैं आपको डीसी मशीन ज़रूरी है, बट मेरे पास अभी डीसी मशीन अवेलेबल नहीं है, मैं आपको फिर भी बता देता हूँ कि आपने कैसे करना है। अगर आपके पास आप चाहते हैं कि मैं सारे कैपेसिटर निकाल निकाल के चेक नहीं कर सकता, तो आपको मैं वो भी सोल्यूशन देता हूँ कि आप डीसी मशीन आप लें और अपने वोल्टेज यानी कि जो उसके अंदर जो वोल्टेज है वो 1.50 रखें और एम्पेयर भी 1.50 रखें, ठीक है ना दोस्तों, ये दोनों बिल्कुल ओके रखें उसके अंदर डीसी मशीन के अंदर। और उसके बाद जो उसका ब्लैक प्रोप है वो ग्राउंड पर रखेंगे, और जो रेड प्रोप है ये वाला, ये देखिए दोस्तों, ये जो रेड प्रोप है, ये वाला रेड ब्लैक प्रोप है, ये हम ग्राउंड में रखेंगे, और ये हम रेड प्रोप है इससे हम चेकिंग करेंगे, इस चेकिंग मेथड को हॉट टेस्टिंग कहते हैं, ठीक है दोस्तों। और जो डीसी मशीन है इसको हम डीसी 20 में रखेंगे, ठीक है ना। उसके बाद आपने एक एक करके इसमें चेक कर रहे हैं, ये जो मल्टीमीटर के जो डीसी मशीन होती है, मल्टीमीटर के जो प्रॉप है और डीसी मशीन के जो प्रॉप होते हैं, यानी कि मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, डीसी मशीन के प्रॉप तो पड़े हुए हैं मेरे पास, ये देखिए दोस्तों, ये डीसी मशीन के जो प्रॉप होते हैं ये वाले, तो आप क्या करें, डीसी मशीन के जो मल्टीमीटर के प्रॉप के और डीसी मशीन के प्रॉप को सेम, जैसे ये रेड टू रेड और ये जो ब्लैक टू ब्लैक, ऐसे रखें, ठीक है ना। अभी हम हॉट टेस्टिंग करेंगे, हॉट टेस्टिंग के दौरान क्या होगा दोस्तों, इसके अंदर आपकी वोल्टेज 1.40 और 1.50 के आसपास यहाँ आनी चाहिए, अगर आप ऐसे कनेक्ट करते हैं तो, ठीक है ना। एक बार मैं इसका कोई जुगाड़ देखता हूँ, आप वेट करिए। ये दोस्तों, ये मैंने अभी फ़िलहाल डीसी मशीन का एक जुगाड़ अपने घर पे मैंने रखा हुआ था, तो मुझे याद आ गया कि फिर मैंने एकदम याद आया कि मैंने आपके लिए भी एक जुगाड़ करके रखा हुआ था। ये देखिए दोस्तों, मैंने डीसी मशीन पे डीसी से कनेक्ट करके एक जुगाड़ कर बनाया अपने घर पास। ये देखिए दोस्तों, मैंने कैसे इसको कनेक्ट किया हुआ है, ये डीसी मशीन की, आप ऐसे करें, इसको वैल्यू आप देखिए इतनी मैंने रखी हुई है, मगर इसके अंदर थोड़ी वैल्यू ज़्यादा आ रही है, कोई दिक्कत नहीं है, 2 वोल्टेज और 2 एम्पीयर से नीचे ही रखें, क्योंकि आईसी में दिक्कत आ सकती है, तो आप 150 के आसपास ही या 146-148 के आसपास इसके एम्पीयर आएगी, ठीक है ना। अभी फ़िलहाल इतना मैं आपको सिर्फ चेकिंग मेथड बता रहा हूँ कि अगर आप हॉट टेस्टिंग करते हैं, अभी मैंने आपको कोल्ड टेस्टिंग बता दिया, अगर आप हॉट टेस्टिंग करते हैं, अगर एक लाइन में सारी कैपेसिटर शॉर्ट होते हैं और आपको निकालना नहीं है, आपको सिर्फ बार बार से चेक करना है, तो आप क्या करेंगे, अभी आप डीसी मशीन में इसको आप रखेंगे और वैल्यू देखिए, मैं ऐसे कनेक्ट कर रहा हूँ दोस्तों, ठीक है ना, हम ग्राउंड को ग्राउंड ही रखेंगे और इससे हम चेकिंग करेंगे, ठीक है ना। अभी फ़िलहाल मैं इसको आपको इस पर लगा देता हूँ, और ये वोल्टेज अभी फ़िलहाल जो स्क्रीन पर आ रही है, आप इसके अंदर क्या करें दोस्तों, डीसी मशीन को ग्राउंड को ऐसे कनेक्ट कर लें, ज़्यादातर मैं ऐसे ही करता हूँ,
अगर मुझे बहुत देर लगती है शॉट ही निकालना या हाफ शॉट ही निकालना, तो ऐसे ही निकालता हूँ मैं ज़्यादातर। तो ऐसे इसको कनेक्ट कर लें, ठीक है ना दोस्तों, और इसको साइड रख दें और ऐसे इससे आप सिर्फ चेकिंग करेंगे, ठीक है ना। ये देखिए दोस्तों, अभी फिलहाल आप हम इसके अंदर अब चेक करते हैं कौन सा कैपेसिटर लीकेज है या कौन सा कैपेसिटर शॉर्ट है। अगर शॉर्ट हुआ, आप देखिए आप 1% लगाइए, देखिए दोस्तों अगर मैं इसको जैसे कनेक्ट करता हूँ, आप इसमें एम्पेयर देखना कितने खाएगा, सारी खा गया एम्पेयर, ये देखिए दोस्तों सारी एम्पेयर खा जाएगा जैसे कनेक्ट हुआ, पूरा 0-0 हो गया। तो आपने देखना है कि कौन सा कैपेसिटर कितनी एम्पेयर खा रहा है, ठीक है ना। अभी फिलहाल मैं जो सही कैपेसिटर में उस पर लगा के एक बार चेक कराता हूँ आपकी, शायद ये सही है, नहीं है ये, देखिए ये सही है। देखिए एक तरफ ग्राउंड होगा तो पूरी वैल्यू खाएगा, और दूसरी तरफ रखते हैं ये देखिए कुछ भी वैल्यू नहीं खाएगा, देखिए अरे ये खा रहा है, यानी कि कैपेसिटर शॉर्ट है। हाँ दोस्तों ये कैपेसिटर शॉर्ट था, उस टाइम मैं आपको दिखाने की जरूरत दिखाया था मैंने आपको। अभी फिलहाल मैं इस कैपेसिटर को चेक करता हूँ, ये देखिए दोस्तों 158 से सीधा कितना 130 हो गया, यानी कि कुछ एम्पेयर इसने खाया है, यानी कि इसकी लाइन में कुछ ना कुछ शॉर्टिंग होगी, ठीक है ना। आपको इसमें अंदाजा हो गया कि इसकी लाइन में कोई ना कोई शॉर्टिंग है। चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ, अब ये कैपेसिटर है इस पर ध्यान देते हैं। ये देखिए दोस्तों कितनी एम्पेयर खा गया, 158 से 110 में आ गया, 112 में आ गया, तो यानी कि इसकी लाइन में भी कहीं ना कहीं लीकेज गया। ये देखिए दोस्तों 108 आ गया। आपको इसमें हॉट टेस्टिंग बहुत ही हेल्प रहती है, मैं ज़्यादातर 70% 70% 80% मैं हॉट टेस्टिंग से ही इसकी हाफ शॉटिंग या कोई भी फ़ोन आता है तो मैं ऑलमोस्ट इससे ऐसे ही निकालता हूँ। तो मैंने बस आपको ये चेकिंग मेथड इसलिए बताया था कि आपको ये कोई बताएगा नहीं, ये इंटरनली बातें होती हैं जो नहीं बताया, ये आजकल कोई नहीं बताता, बट मेरे को ऐसा कुछ नहीं है, मेरे को ये है कि अगर जो बंदा नहीं सीख पा रहा वो किसी कारण, तो वो एटलीस्ट यहाँ पर आके सीख पाएगा। तो देखिए दोस्तों अभी फिलहाल मैं इसको आपको चेकिंग मेथड, आपको हॉट टेस्टिंग मैंने बता दिया है हॉट टेस्टिंग कैसे करते हैं, ठीक है ना। और इस वीडियो के अंदर आपको पूरा जानकारी मैं इसलिए दे रहा हूँ कि अगर कोई बंदा नहीं सीख पा रहा उस पर उस तक ये वीडियो पहुँचा दें, वो भी इस काम को सीख पाए, और एटलीस्ट आपको इसकी दुआएं मिलेंगी कि उसने आप ये वाली वीडियो देखी और वो सीख पाया काम। तो देखिए दोस्तों अभी फिलहाल मैं कोल्ड टेस्टिंग करूँगा, कोल्ड टेस्टिंग में क्या करेंगे वही दोस्तों, इसको हम डीसी में रखेंगे और कंटिन्यूटी मोड पे रखेंगे, और ये ऐसे रखकर इसको वही हम ग्राउंड रखेंगे। अब इसको हम चेक करते हैं, ठीक है ना दोस्तों, कैसे चेक करेंगे, ये देखिए दोस्तों ये शॉर्ट है, अभी मैंने जो ये निकाला था ये वाला कैपेसिटर, ये शॉर्ट नहीं था, ठीक है ना, ये देखिए शॉर्ट, ये देखिए दोस्तों ये शॉर्ट नहीं है, बट इसकी लाइन शॉर्ट थी, ठीक है ना दोस्तों। आपने कैपेसिटर जो निकालना है वो डालना भी है, अगर आपको ये मुसीबत लगती है निकालना और डालना, तो आप हॉट टेस्टिंग भी कर सकते हैं, उसमें टाइम की बचत बहुत है, बट हॉट टेस्टिंग तभी करें जब समझ नहीं आ रहा हो तो, ठीक है ना दोस्तों। नहीं तो हॉट टेस्टिंग में कहीं क्या होते हैं, कहीं टेक्नीशियन क्या करते हैं फुल कर देते हैं 4 एम्पेयर वो, और उसमें 4 वोल्टेज, उसमें क्या करते हैं आईसीएम सब खराब कर देते हैं, फिर मुझे बोलते हैं भैया आपने तो बताया था हॉट टेस्टिंग ऐसी करनी है। अरे भाई खुद ही पता, खुद समझदार होना चाहिए कि इतनी आईसी इतनी वोल्टेज में तो आईसी फट जाए फूक जाएगी, ठीक है ना दोस्तों। आप कंटिन्यूटी मोड पे रखें, और इसको देखिए मैं शॉर्टिंग दिखा रहा हूँ, ये देखिए ये शॉर्ट है, आप इसी की लाइन को पकड़ते चले, ये देखिए ये भी शॉर्ट है, ये देखिए ये भी शॉर्ट है, ये भी शॉर्ट है, अब देखिए पूरी लाइन की पूरी लाइन, यानी कि पूरा फोन ही शॉर्ट है एक कैपेसिटर के कारण। अब एक कैपेसिटर कौन सा होगा, मैंने आपको बताया हॉट टेस्टिंग भी होती है और कोल्ड टेस्टिंग भी होती है। अभी फिलहाल मैं इस कैपेसिटर को बारी बारी से निकालूंगा और आपको इसके अंदर से लीकेज और शॉर्टिंग रिमूव करके दिखानी पड़ेगी आपको, तभी आपको समझ में आएगा दोस्तों। यदि मैं इसको साइड पर रख लेता हूँ और स्टेप बाय स्टेप आगे से बढ़ते चलेंगे हम, ठीक है ना दोस्तों, बने रहिए दोस्तों वीडियो को पूरा देखिए। आपको मैं इसलिए पूरा ऊपर बता रहा हूँ, इस वीडियो के अंदर मैं आपको
थ्योरिकल भी बता रहा हूँ, टेस्टिंग भी बता रहा हूँ, प्रैक्टिकल करके भी बता रहा हूँ कि आपके दिमाग में घुस जाए कि कैपेसिटर अगर हमारे पास आ जाता है या हमारे पास कोई कंपोनेंट आ जाता है तो हमने कैसे इसको ठीक करना है। ठीक है ना दोस्तों, अभी फ़िलहाल मैंने इस कैपेसिटर को बाहर निकाल के रख लेता हूँ। ये मैंने कैपेसिटर बाहर निकाल लिया है दोस्तों, और ये लाइन भी आपको हम चेक करके बताते हैं। इसको हम साइड रख देते हैं और अभी हम फिर इसको कंटिन्यूटी मोड पर रखते हैं, बीप मोड पर रखेंगे। ठीक है ना दोस्तों, और इसको हम कंटिन्यूटी मोड पर रखकर इसकी जो लाइन है, जो लाइन है इसकी, इसको हम चेक करते हैं बारी बारी से। ये देखिए यहाँ पर भी बीप दे रहा है, दूसरी साइड भी बीप दे रहा है, यानी कि अभी भी लाइन में शॉर्टिंग है इसकी। यानी कि यहाँ से इसकी शॉर्टिंग है, बट यहाँ से इसकी लाइनिंग क्लियर हो चुकी है दोस्तों। ये देखिए दोस्तों, यानी कि कोई ना कोई एक आधा कैपेसिटर है जो इसके अंदर है, लेकिन शॉर्टिंग है। ये देखिए दोस्तों, यहाँ से तो शॉर्टिंग निकल चुकी है, बट इसकी लाइन में कोई ना कोई कैपेसिटर शॉर्ट है। चलो हम इसका ये भी देख लेते हैं, ये जो हमने कैपेसिटर निकाला था ये शॉर्ट है या अभी ये भी ठीक है इसकी तरह। तो अभी मैं इसके दोनों सिरों पे लगाता हूँ। ये देखिए दोस्तों, ये कैपेसिटर ही शॉर्ट था, ये देखिए कैपेसिटर भी शॉर्ट था। ओ सॉरी, ये देखिए दोस्तों, ये देखिए ये कैपेसिटर भी शॉर्ट शो कर रहा है, यानी कि इसकी लाइन भी शॉर्ट थी और वो कैपेसिटर भी शॉर्ट है। अभी फिलहाल ये हम शॉर्ट वाला कैपेसिटर इसके यहाँ रख देते हैं, ठीक है ना। और ये सही वाला कैपेसिटर जो था वो हम उसी जगह में, उसकी जगह में ही लगा देते हैं। मैंने आपको बताया था कि अगर आप जोन सा भी कैपेसिटर जहाँ से भी निकालते हैं तो वहाँ पर ही तुरंत लगा दें, आलस ना करें। उसमें क्या होता है, कस्टमर आपका ख़राब हो सकता है अगर वो 2-3 महीने में, कई बार क्या होता है 15 दिन में ही फ़ोन ख़राब हो जाता है। कई बार कस्टमर फ़ोन को आधी आधी रात, पूरी रात लगा के रखता है, तो उसमें प्रोटेक्शन यानी कि ये सेफ्टी के लिए भी होता है। तो सेफ्टी के लिए कुछ आपने रखा तो है नहीं, तो उसमें क्या होता है आईसी हीट होना शुरू हो जाती है, उससे आपका कस्टमर भी ख़राब हो सकता है दोस्तों। तो ठीक है आप दोस्तों, मैंने आपको आज इसके अंदर शॉर्टिंग इसके अंदर क्लियर कर दी कि आपने आपके पास अगर आपके पास फ़ोन ऐसे आ जाता है सॉरी कैपेसिटर, तो आपने कैसे चेक करना है और कैसे हमने इसको निकाल के बाहर फेंक दिया और इसकी जगह हम दूसरा कैपेसिटर लगाएंगे। अब इसकी जो लाइनिंग है, इसकी लाइनिंग कैसे हमने शॉर्टिंग निकालनी है, वो आपको वीडियो मैंने बना रखी है आपके। अगर आप कहोगे तो मैं दोबारा से कि अगर लाइन के अंदर कोई शॉर्टिंग आती है, किसी लाइन के अंदर शॉर्टिंग आती है, ये देखिए दोस्तों, अगर किसी लाइन में शॉर्टिंग आती है, ये अगर कुछ कैपेसिटर लगे हुए हैं इसी लाइन के अंदर शॉर्टिंग आती है, तो हम कैसे इसको निकालेंगे। तो अगर आप वीडियो कहोगे मैं इस पर भी वीडियो बना दूंगा कि अगर आपके एक कैपेसिटर निकालते हैं तब भी शॉर्टिंग नहीं जाती, दूसरा निकालते हैं तब भी शॉर्टिंग नहीं जाती, और तीसरा निकालते हैं तब भी शॉर्टिंग नहीं जाती, तो आप क्या करेंगे। तो अगर आप ऐसी वीडियो चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट में बताएं, तो मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। उसको हम कहते हैं सेकेंडरी लाइन। सेकेंडरी लाइन अगर शॉर्ट हो रही हो तो कैसे हम उसको क्लियर करेंगे। तो बट हमारी ये वीडियो इस पर है कैपेसिटर पे, तो हम कैपेसिटर पे ध्यान देंगे। तो अब पहला तो मैंने आपको क्लियर कर दिया कि शॉर्टिंग कैसे निकालनी है, अब शॉर्टिंग शॉर्ट कैपेसिटर को पहचान कैसे थी मैंने आपको बता दिया। अब दूसरे में आते हैं हम लीकेज। ठीक है ना दोस्तों, लीकेज कैपेसिटर कहाँ से ढूंढेंगे हम। लीकेज कैपेसिटर वही हम कंटिन्यूटी मोड पे रखेंगे दोस्तों, और इसके हम बीप पे जाएंगे। ये सॉरी, अब बीप पे मैं आपको थोड़ी थ्योरिकल भी बता देता हूँ। अगर लीकेज होता है, लीकेज में क्या होगा दोस्तों, आपको टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है मेरा, ये देखिए दोस्तों, लीकेज में क्या होगा, आपके जो इस दोनों तरफ बीप नहीं आनी चाहिए, ठीक है ना। और इसमें दोनों तरफ अगर बीप की जगह कुछ वैल्यू आएगी उसमें, देखिए जैसे ये वाली वैल्यू आएगी, जैसे इसके अंदर अगर शॉर्टिंग होगा, ये अगर शॉर्ट होगा, जैसे ये वाला कैपेसिटर शॉर्ट है तो कुछ भी नहीं आएगा, 0-0। और अगर लीकेज होगी तो यहाँ पर कुछ वैल्यू या बीप के बिना भी आएगी, मतलब 6-7 ऐसे वैल्यू
आएगी तो उसको आप उस कैटेगरी को हम लीकेज कैपेसिटर कहते हैं, ठीक है ना। मैं आपको इसमें भी दिखा देता हूँ, शायद लीकेज एक दो कैपेसिटर है इसमें, तो आपको दोबारा डाउट क्लियर हो जाएगा कि अब जैसे मैंने ये वाला कैपेसिटर था, मैंने चेक किया था, ये देखिए दोस्तों एक तरफ 516 के आसपास वैल्यू आ रही है और दूसरी तरफ बीप दे रहा है। अगर मैं प्रॉप को उल्टा कर देता हूँ, अगर इसको ग्राउंड और इसको ये कर देता हूँ, ये देखिए दोस्तों एक तरफ भी आ रही है और दूसरी तरफ भी आ रही है। ये आनी नहीं चाहिए। इस कैटेगरी को, इस चीज़ को हम कहते हैं लीकेज कैपेसिटर है ये, ठीक है ना दोस्तों। अभी आपको मैं ओके कैपेसिटर ढूंढ के बताता हूँ। इवन ओके तो यही था ना दोस्तों, एक तरफ बीप और एक तरफ, ठीक है ना। अब इसके अंदर क्या करेंगे दोस्तों, ये देखिए दोनों तरफ अगर आप रखते हैं, ये देखिए दोनों तरफ रखते हैं तो कुछ भी नहीं आता, यानी कि ये ओके है, ठीक है ना। ये दोनों तरफ रखते हूँ तो ये ओके है, और अगर इस ये वाले प्रोब को, रेड प्रोब को अगर मैं रिवैल्यू वाली जगह पे लगाता हूँ और उसको इधर लगाता हूँ, तो ये देखिए आ रहा है ना। अब यही चीज़ मैं इसमें यहाँ करता हूँ, ये देखिए दोनों तरफ से वैल्यू दिखाएगा। देखिए दोस्तों दोनों तरफ से वैल्यू दिखा रहा है, तो ये लीकेज कैटेगरी है, ठीक है ना। आपको दोस्तों समझ आ गया होगा कि लीकेज अगर कैपेसिटर आता है तो दोनों तरफ वैल्यू आएगी, कुछ थोड़ी सी कम आएगी मगर वैल्यू आएगी ज़रूर, जिसमें 9 या 10 या 15 या कुछ भी वैल्यू आ सकती है, ठीक है ना। आपको मैंने लीकेज भी क्लियर कर दिया है। मेन तो हमारी लाइन के अंदर जो होता है वो शॉर्टिंग इसी कैपेसिटर के कारण होता है दोस्तों। शॉर्टिंग सबसे ज़्यादा कैपेसिटर इसी कारण होता है दोस्तों। ये अगर एक कैपेसिटर शॉर्ट होता है तो पूरा फ़ोन ही शॉर्ट शो करना शुरू कर देता है। तो लीकेज भी मैंने आपको क्लियर कर दिया। अब रही बात ओपन की, अगर फोन ये कैपेसिटर ओपन क्या है, ओपन में क्या होता है दोस्तों, दोनों तरफ यानी कि दोनों तरफ की कोई वैल्यू नहीं आएगी, यानी कि वो ओके है, ओपन को हम ओके कहते हैं, ठीक है ना दोस्तों। अगर ओपन में आ जाता है यानी कि अगर एक तरफ बीप देगा, एक तरफ बीप देगा और एक तरफ वैल्यू आएगी, तो यानी कि वो ओके है, ठीक है ना दोस्तों। दोस्तों उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आई, और आपको इस वीडियो में भी आप मेरे को ऐसे ही प्यार देंगे जैसे पिछली वीडियो में बहुत प्यार दिया। तो बने रहिए वीडियो को पूरा, आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि मैं अब कंपोनेंट्स के अंदर सारी वीडियो बनाऊंगा विद प्रैक्टिकल थ्योरिकल टेस्टिंग, सब कुछ बताऊंगा आपको, सारी चीज़ें क्लियर करूंगा। तो थैंक यू, आपने इस वीडियो को देखा, थैंक यू आपने इस वीडियो को वैल्यूबल टाइम दिया आपने, और आसपास सफाई रखें और पशु पक्षियों को खाना और पानी जरूर दें दोस्तों। और महामारी जो चल रही है इस पे आप हाथ और अपना फैमिली का ध्यान रखें दोस्तों, और अपने घर पे ही रहें, सेफ रहें। और हमारा इंस्टीट्यूट जब भी खुलेगा आपको हम इस पे वीडियो के थ्रू यानी कि चैनल के थ्रू आपको बता देंगे, और जिसको भी एडमिशन लेना हो तो जल्द से जल्द एडमिशन ले सकता है। अभी से आप लिख के हमारे रजिस्टर पे नाम लिखवा सकते हैं। तो थैंक यू दोस्तों।